ये जो आज इधर प्रोटेस्ट हो रहा है सब डिवीजन द्रमाड़ी के सामने है, ये बिजली जो महकमा बिजली है जिसको पीडीडी भी कहते हैं, पिछले 6 महीनों से इनकी लाइट जो है एक दिन आती है 15 दिन बंद रहती है। उस तरीके से हमने हिसाब लगाया, महीने में 12 दिन लाइट आती है और इनका अगर किराया देखा जाए तो महीने का किसी आदमी का 1000 रुपया किराया आता है, किसी आदमी का 1500 रुपया, किसी आदमी का 1800 रुपया। एक जो बहुत बड़ा ज़रूरी मसला है, जो शख्स मरे हुए हैं जो इस दुनिया पे नहीं है बेचारे, आज उनके नाम पे बिल अभी भी गांव में आ रहा है और उनकी फैमिली का कोई बंदा है ही नहीं, उसका कोई मकान ही नहीं है, बिल उनका भी आ रहा है। आज देखो हरे पेड़ों पे तारे लगी हुई हैं। बिल्कुल, जे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये कहते हैं डिजिटल इंडिया, इंडिया को डिजिटल बनाना है, तो अगर आपने गाँव में देखा होगा करामत जी, मीडिया के जरिए आपने देखा होगा कि हरे पेड़ों पे तारे लग के हमारे लोग जो हैं क्रेड की तारे होती हैं, जो फॉरेस्ट वाले जो क्रेड लगाते हैं ना, उन क्रेड की वायर तार पे बिजली आज चल रही है। जो बंदा है ये मर चुका है और इसका बिल आ रहा है, इसका बिल आप बंदा है नहीं दुनिया में, लेकिन इसका बिल आ रहा है, अभी भी गांव में बिल आ रहा है। बहुत से ऐसे बिल हैं हमारे पास, आज सोमवार है, आज भी सब डिवीजन में AW साहब नहीं है, जे इधर कोई नहीं है, कोई ऑफिसर जहाँ पे नहीं है। लिहाजा मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि कुछ ना कुछ करो, नहीं तो हमारे लोग सड़कों पे उतरेंगे। अगर कल कोई नुकसान होता है, गाड़ियाँ तोड़ते हैं लोग या रोड को बंद करते हैं रियासी टू मोहर रोड को, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी होगी, ना कि सरपंचों की जिम्मेवारी होगी। हमें अगर लोगों ने बनाया है, हम लोगों की आवाज़ है, हमारा बोलना हक है और हम बोलेंगे, मरते दम तक बोलेंगे। इसलिए करामत जी, मीडिया के जरिए ये हमारी आवाज़ जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा तक पहुंचनी चाहिए, डिप्टी कमिश्नर साहब रियासी तक पहुंचनी चाहिए। और जो माह रमजान का महीना है, इस वक्त देखो लाइट थुरू में बंद है, तहसील जो सब डिवीज़न द्रमाड़ी है इस वक्त जहां पे लाइट बंद है, ये क्या मसला है? इस रमजान के महीने में, नवरात्रे के महीने में कहीं लाइट बंद नहीं, रियासी जाओ रियासी लाइट चल रही है, कटरा चल रही है, बाकी जम्मू में लाइट चल रही है, लेकिन हमारे इधर आज पिछले 6 महीने से लाइट बंद है। लहजा मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। आज हमारा जो ये मुकद्दस महीना माह रमज़ान जो चल रहा है, आज शटर होता है, तो हमारे इस एरिया में जो थुरू ब्लॉक के पंचायतें जो हमारी हैं, बुद्धन है, खाड़ी वाला का एरिया है, चकलास है, या ये हमारा थुरू का दरनासी एरिया है, हरोग है, बारियाँ हैं, तो इसमें इन 5-6 दिनों से लगातार जो माह रमज़ान के महीने में भी लाइट बंद है, और हमने कई बार इन अफसरों से कहा, AE साहब से कहा, AW साहब से भी सुनाया हमने उनको भी, कि हमारे जो लाइट इस महीने में बंद नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि हमारे इस पाक मुकद्दस महीने में भी हमें ये लाइट जो नहीं दे रहे हैं, और किराए के जो बिल आ रहे हैं लोगों को, गरीब लोगों को, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। कटौती जो है अन शेड्यूल जो है, इसके मुताबिक ये जो कट होता था, कोई इनका शेड्यूल है ही नहीं, तो कोई टाइम टेबल नहीं इनका, जिस वक्त मन चाहे ये बिजली काट लेते हैं, तो लोग इससे बड़े दुखिया हो गए कि हमें किस चीज़ का किराया दें हम, ये तो फजूल में हमें जो है ये किराया देना पड़ता है, लाइट जो हमारे नहीं है, तो इससे लोग दुखिया हैं, परेशान हैं। तो चाहिए ये था कि इन अफसरों को, जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर लोग हैं, उनको इलाके में टूर विज़िट करना चाहिए था, इधर से लोगों को पूछना चाहिए था कि हमारी आपको क्या ज़रूरत है, हम आपके लिए क्या मदद कर पाएँ, लेकिन उल्टा इनको हमें ढूंढना पड़ता है, इन अफसरों को, ये अपने स्टेशन पर होते ही नहीं, हेडक्वार्टर पर होते ही नहीं, कोई सुनवाई ही नहीं, कब से बोल रहे हैं हम, ये जो तारें लगी हैं सब्ज दरख्तों के साथ लगी हैं, कई बार लोगों का नुकसान हुआ, लोग मारे गए, हमारे यहाँ नौजवान मारे गए, माल मवेशी का नुकसान हुआ, लेकिन कहने के बावजूद भी सरपंच लोग, ये चुने हुए नुमाइंदे, जब ये ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन तक भी ये सुना रहे हैं हम लोग, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, ना जाने ये क्या है, ये क्या बीच में ये परेशानी क्या है, पहले आवाज़ सुनी जाती थी, कोई भी
अगर हम जाकर कहीं SDM साहब के पास, तहसीलदार साहब के पास, AW साहब के पास, एक्शन के पास जाकर हम कोई डिमांड कोई बोलते थे कि एक्शन लिया जाए, ये जो है हमारे इस एरिया में ये प्रॉब्लम है, तो फौरी एक्शन होता था। आज हम बोलते रहते हैं सोशल मीडिया पर, कई बार हमने ये कहा कि हमारे जो ये दरख्तों के सब्ज दरख्तों के साथ तारें लगी हैं इनको हटाओ। 2 साल हो गए सरपंच बने हुए, 2.5 साल में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। वो तारें वहीं की वहीं दरख्तों के साथ लगी हुई है, रिस्क बनाया हुआ है लोगों को मारने का, तो लोग उसका किराया दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं DC साहब रियासी से, जो हमारे नए DC साहब आए हैं, हम उनसे बड़ी तवक्का रखते हैं कि जनाबे वाला इन अफसरों पर नज़र रखी जाए, इनको इलाके के अंदर रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ ये मिलते ही नहीं। हमारे दूर दूर से लोग जो इन दफ्तर है यहाँ हेडक्वार्टर, सैलरी इनकी दरमाड़ी ट्रेजरी से, ट्रेजरी दरमाड़ी है इनकी, सैलरी निकाल लेते हैं। इस इलाके के नाम पर इनकी सैलरी निकल रही है, लेकिन बैठे हुए हैं जम्मू में, कोई रियासी से वापस चला जाता है। सैलरी इस इलाके के नाम पे, हमारे जो ये गरीब लोग हैं इनके नाम पे, इनकी सेवा के नाम पे जो जो ये सैलरी इनकी निकल रही है कि हम काम कर रहे हैं जी, जो टैक्स देते हैं, वो टैक्स जो देते हैं हम लोग, उस टैक्स की इनको सैलरी दी जाती है, वो दी जाती है इस एरिया में काम करने के इवज में, लेकिन कहाँ है इधर। आज सोमवार है, आज इधर हम बैठे हैं धरने पर SDM साहब के बाहर, हमने यहाँ देखा है इन दफ्तरों में कोई इधर नहीं, ऑफिसर ही नहीं कोई भी। ये बड़ी अफसोस की, बड़ी दुख की बात है। मैं आज ये ऑनरेबल जो LG साहब हैं मनोज सेना जी, उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि जनाबे वाला जो इस पर गौर किया जाए। हमारे लोग दुखिया हो गए, परेशान हो गए, कोई काम नहीं चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। बैंक की हालत देखिए, बैंक का हम कब से बोल रहे हैं कि ये मैनेजर जो काम नहीं कर रहा है, लोग मायूस हैं, लोगों की कापी तक चेक नहीं होती है, पेंशन ओल्ड एज पेंशन जो लेते हैं वो बैंक में आते हैं, उनको धक्का देकर बाहर निकाला जाता है। बड़ी दुख की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। इस तरह के मामले में हम इन लोगों को बार बार रोकते रहे कि रुकिए रुकिए, हम ऊपर आवाज़ पहुंचा रहे हैं, मसला हल हो जाएगा। मसला हल नहीं हुआ, लोग अब इकट्ठे शुरू हो गए इकट्ठे होना, अब सड़कों पर उतरेंगे लोग मजबूर होकर और प्रोटेस्ट करेंगे। आज माँ श्याम के दिनों में देखो हमें यहाँ इकट्ठा होना पड़ा और धरना देना पड़ा, क्यों कि तंग आ गए, कोई हमारा काम नहीं हो रहा है, बहुत हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं DC साहब से फिर एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर गौर किया जाए।